अरे भैया ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ब्लॉक नहीं बनाना। अरे भाई ब्लॉग नहीं होता, ब्लॉग होता है सही। चलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रत्रा सिब्लिंग्स। तो गाइस मैं आपको फर्स्ट चीज बताना चाहता हूँ कि हम जैसे कि अब हमारे चैनल का नाम रत्रा सिब्लिंग्स था, तो इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा, क्योंकि गाइस मेरे को ना क्लासेस जैसे मैं लगाता हूँ तो उसमें ना वो मैम कहती हैं कि अपनी आईडी से आना, मैं रत्रा सिबलिंग अगर मैं अपनी यूट्यूब का रखता हूँ तो मेरी आईडी भी वो ही हो जाती है रत्रा सिबलिंग। तो मैंने कहती है अपनी आईडी से आओ, तो इसलिए मैंने सूर्य रत्रा लिखा है। सॉरी गाइस, बट वीडियो आपको वही मिलेंगी, एंटरटेनमेंट आपको वही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के चैलेंज में ये होने वाला है कि आज हम करने वाले टेक चैलेंज, जिसके किसके पास इतना टेक है जो रोज़ाना हमारे में हम यूज़ करते हैं। ऐसा कहीं से हमारे पास कुछ इतना टेक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम नॉर्मल अभी बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी कैसा बनता है। तो फर्स्ट चीज़ गुब्बारा देने वाले का, यस गाइस ओके। इसने गाइस 5 वाट का है वैसे, नॉर्मली या भाई 5 वाट का कुछ ज़्यादा होता है। 5 वाट का इसने निकाल दिया। यहाँ पे चार्जर सैमसंग का ही है गाइस, बढ़िया वाला, वो देख लीजिए जो मोबाइल के साथ मिलता है वही है नॉर्मल। मैं भी निकाल दूँ भाई फिर चार्जर ही, सॉरी पावर बैंक है गाइस, ये वो चार्जर की तरह ही काम करता है। सही है गाइस, ये भी काफ़ी बढ़िया आइटम आप कह सकते हैं, जो आपके काफ़ी यूज़ आ सकता है वो चीज़, ये काफ़ी बढ़िया आपको देता है, काफ़ी सही चीज़ है ये, काफ़ी काम आता है। जस्ट 10,000 mAh का है गाइस, काफ़ी बढ़िया है। चलो सेकंड आइटम, आपको पता है कि मेरा पावर बैंक कभी मिल नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, चलो सेकंड आइटम कर लीजिए। गाइस हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं तो हम आपको प्रॉपर देते हैं। मैं तो ये गाइस ईयरफोन है इसके, कौन से भाई यार तू क्या यार गोपाल भाई, एक गोपाल को ना इतना अभी ना घबराहट होती है बोलने में, और वैसे इसको बहुत शौक है ब्लॉग बनाते हैं। और ये गाइस उठा के वहाँ रख रहा है, इसका कुछ अभी ज़्यादा आता नहीं है, बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। सैमसंग के ये तो, मैं तो सैमसंग के, इसके पास ये वाले ईयरफोन है जो नॉर्मल के ऐसे आते हैं वायर वाले, अच्छे हैं ये, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, ठीक है ना गाइस। और अबन निकालते हैं, अबन के पास भी ईयरफोन है गाइस, ये देखिए ये हैं गाइस MI के, देखिए MI के ईयरफोन है ये, ऐसे वाले जो काम में निकाल के गाइस, ये कंफर्ट में तो 10 में से 10 है ही गाइस। आवाज तो मतलब मैं आपको बताऊँ इसकी इतनी तकड़ी है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गाइस लास्ट आइटम दिखाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपको जैसी पता है आपने मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे बहुत दिनों बहुत पहले से शुरुआत या फिर बहुत पहले शुरुआत से या फिर बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, तो आपको पता ही होगा कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले अपने न्यू एप्पल आईफोन 11 की वीडियो डाली थी। यस गाइस आज आपको क्वालिटी आई वीडियो की काफ़ी ज़्यादा तकड़ी लग रही होगी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ आईफोन 11 से शूट, मेरी शूटिंग हो रही है आईफोन 11 से, काफ़ी तकड़ा इसका कैमरा है गाइस मेरे में तो बिल्कुल भी, मैंने अभी जो इसको चेक किया कैमरे के मामले में बहुत तकड़ा है गाइस। आपको आप कमेंट में बताइएगा कि इसकी वो कैसे आ रही है क्वालिटी, काफ़ी सही है यार, मेरे को तो काफ़ी सही लग रही है क्वालिटी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा और अगर आपने अगली वीडियो नहीं देखी तो आपको अगली वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको विश्वास दिला दूंगा। वैसे अगली वीडियो भी देख के सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, बट इस वीडियो में भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका बॉक्स, ये देखिए अभी इससे शूटिंग करा तो ये तो दिखा नहीं सकता, बट इसका बॉक्स ज़रूर दिखा सकता हूँ, ये देखिए ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने कोई, ये कोई टेक नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको वो विश्वास दिलाने के लिए किया था, ये कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसका। तो चलिए थर्ड आइटम निकाल लीजिए, गोपाल निकाल रहा पहले मेरा मोबाइल गाइस, इसका मोबाइल है J7 Prime 2। सही है गाइस, फ़ोन 32 GB एंड 3 GB रैम है इसमें, और 32 GB स्टोरेज 3 GB रैम, ये गाइस इस ये भी 32 GB और 3 GB रैम है, बट इसमें 64 GB का SD कार्ड पड़वाया था, तो ये अभी SD कार्ड मेमोरी कार्ड जो मर्जी कह सकते हैं आप,
इनका गाइस स्टोरेज भी कह सकते हैं, स्टोरेज पढ़वाई थी 64 GB स्टोरेज मैंने पढ़वाई थी, अब इसमें 96 GB चल रही है और इसकी मैंने 65 GB भर भी दी हुई है, ठीक है ना गाइस। बट अब मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता क्योंकि गाइस मेरे पास अभी उसका अडेप्टर नहीं आया आईफोन का, तो बिल्कुल भी अभी 2-3 घंटे दूसरे वाले से लग जाते हैं इसको चार्ज होने में, इसलिए जब तक वो नहीं चार्ज होता तब तक मैं इसको थोड़ा सा यूट्यूब चला लेता हूँ इसका, बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसको, मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ कभी कभार, बाकी मैं अपने आईफोन से शूट करूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक।